कमल का यह कंडीशन का पूरा जिम्मेदार उसका पापा है। भाई साहब, अब आपको नीलम बहन का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ये पेट से है। क्या सच? ना, मैं आपको छोड़ के कभी भी ना जाऊंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। कोमल कोमल, कोमल मेरी बच्ची कहाँ चली गई? माँ, मेरी पैकिंग हो चुकी है। हाँ माँ, मैंने खुद देख लिया है, सरोजनी की पैकिंग हो गई है। जितना भी जरूरत का सामान है ना, वो सब ले लिया उसने। और जितना जरूरत का सामान नहीं भी है, वो भी ले लिया इसने। अब आप तो सरोजनी को जानते हो ना, तो माँ मैं भी अपनी पैकिंग कर लूँ? ना ना, तने जाने की कोई जरूरत ना है। के है ना, थारे बापू जाएंगे मारी बहू रानी के साथ। लेकिन माँ वो तो किसी काम से बाहर गए ना। हाँ हाँ, हमारी बात हो गई है, सीधा स्टेशन पर ही मिलेंगे बहू रानी को। अच्छा ठीक है। देख बेटा, थारे बापू को दिल्ली में जरूरी काम से, और उन्होंने कहा कि हमारी बहू रानी को वही लेकर जाएंगे दिल्ली। लेकिन उन्हें दिल्ली में क्या काम हो गया? अपनी लाडली बेटी कोमल से मिलना है उन्हें। हाँ राज, पापा कोमल से मिलना चाहते हैं। वो कैसी है, इस हादसे से बाहर निकल पाई है भी या नहीं? देख बेटा, कोमल भड़े ही अपने बापू से बहुत नफरत करती हो, पर वो अपने बड़े पापा से बहुत प्रेम करती है, और उसके बड़े पापा भी उसे बहुत चाहते हैं। माँ, माँ संभालिए अपने आप को। अगर आप इस तरह भावुक होंगी तो छोटी माँ को कहीं पता ना चल जाए कि उनकी बेटी जिंदा है। माँ, मैं दिल्ली जाने से पहले एक बार चाची से मिलना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मैं अभी आई। सरोजनी, चाची चाची, मैं हूँ सरोजनी। चाची दरवाजा खोलिए ना। चाची चाची, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है चाची। आज मैं बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रही हूँ, इसके बाद आपकी बहू कलेक्टर बहू बन जाएगी। हाँ चाची, आपकी सरोजनी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। चाची चाची चाची, दरवाजा खोलिए ना। चाची मैं हाँ, मैं तने आशीर्वाद देने आया हूँ, बधाई देने आया। तू कहीं जा रही है ना? बहुत अच्छा कर, जा। पर मैं तो कहूं तू वापस कभी आइयो ही मत यहाँ। अब तू कलेक्टर बन चाहे डिप्टी कलेक्टर बन, मने कोई फर्क ना पड़ता। पर हाँ, थारे चले जाने से
इस घर पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब से तू आई है तब से ही इस घर की बर्बादी चल रही है। चाचा जी। हाँ सही कह रहा हूं मैं, मारे और भाई साहब के बीच में जो तकरार, जो नफरत की दीवार खड़ी हुई है ना, वो भी थारी वजह से हुई। अरे मारा लाडला भतीजा जो मारे से बहुत प्रेम करता, मारे से नफरत करने लग गया, उसका कारण भी तू है। अरे माँ की तबीयत खराब हो गई, उसका कारण भी तू ही है। सब कुछ थारी वजह से हुआ, सब कुछ थारी वजह से हुआ। थारे आने से पहले इस घर में प्रेम था, लोगों में अपनापन था, परायापन ना था, लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, वो हर खूबी थी जो एक स्वर्ग में होती। पर जैसे ही थारे अपशगुन कदम इस घर में पड़े ना, ये घर बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। यू घर, इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार तू, तू, तू। झूठे आंसुओं से थारे पाप ना धुलेंगे। तुम अपराधी हो, कातल हो, मारी कोमल। थारे कारण मारी बेटी की मौत, मारी बेटी की मौत की जिम्मेदार तू, तू। बस चाचू बस, बहुत हो गया। कोमल को मैंने नहीं, आपने मारा, आपने। कोमल की मौत के जिम्मेदार आप हैं चाचू, आप हैं अपनी बेटी के हत्यारे। चुप, एकदम चुप। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आज तक आपने जितने भी इल्जाम लगाए ना मुझ पर, वो सारे झूठे बेबुनियाद हैं। इस घर की बर्बादी का कारण मैं नहीं, आप है चाचू, आप। आपका अहंकार, आपकी नफरत और आपकी खुदगर्जी, ये है असली बर्बादी का कारण। आपके स्वार्थ ने आपको अपने ही घर से दूर होने पर मजबूर कर दिया। आपकी बेरुखी ने, आपकी बेरुखी ने दादी माँ को बीमार कर दिया। और आपके सौतेले व्यवहार ने आपकी कोमल को आपसे दूर कर दिया चाचू, दूर कर दिया। आज तक हमारे सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात करना की इस घर, और तने मारे सामने मारे खिलाफ इल्जामों की झड़ी लगा दी है। मने मारी बेटी का कातिल बता रही, तारी इतनी हिम्मत हो गई है? तेरी देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? घर की बहू पे हाथ उठा रहे? अरे मैं नहीं मारता इस मद्रासन को अपनी बहू। आपकी इसी नफरत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। इस घर का मान सम्मान, इस घर की सुख शांति सब लुट गया। यहां तक कि मेरी बेटी कोमल भी छिड़ गई। अपनी कोमल को तो खो चुकी, बस रोजनी को खोना नहीं चाहती। ये मेरी बेटी भी और बहू भी। ये हमें कितना मान सम्मान देती है, कितना प्यार देती है।
मैं सरोजनी को खोना नहीं चाहती। अरे तू पागल हो गई है। तने अपने और पराया में कोई फर्क ना समझ में आ रहा। यू मद्रासन हमारी छोरी कभी नहीं हो सकती। इसे ध्यान से देखिए जी, क्या इसमें आपको कोमल नजर नहीं आती? ये भी हमारी बेटी के जैसे ही है जी। आप इसे नफरत करना छोड़ दीजिए, इसे बेटी का मान सम्मान दीजिए। हो सकता है कोमल भी आपको माफ कर दे। चुप कर और बंद कर अपनी ये बकवास। यो मद्रासन मारी छोरी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती मारी छोरी। की तरफ से तारे से माफी मांगती हूँ, माफ कर दे इनको। नहीं चाची, मेरे मन में आप किसी के भी प्रति कोई नफरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे आशीर्वाद मांगने आई थी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तो हमेशा खुश रहे। आपकी आंखों में आंसू देखकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ चाची? मत रोइए चाची, मत रोइए। क्या करूँ बेटा, बहुत कोशिश करती हूँ कि आंसू ना आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाते। बट तो मुझसे रूठ के इतनी दूर चली गई। मुझे उसकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मुझे कोमल। धीरज रखिए चाची, धीरज रखिए। भगवान जी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो आपने मने मेरी माँ से अलग कर दिया है? मैं अपनी माँ को देख नहीं सकती, उससे मिल नहीं सकती। पता नहीं मारे बगैर मारी माँ का के हाल हो रहा होगा। पता नहीं बापू उसके साथ के जुल्म कर रहा होगा। भगवान जी, वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी माँ से मिलूंगी, उसे देखूंगी, उसे गड़े लगाऊंगी? कब आएगा वो दिन, कब आएगा? कोमल, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट, तुम रो क्यों रही हो कोमल? सचिन, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। क्या देखा सपने में? मैंने सपने में अपनी माँ को देखा। हमारी माँ बहुत रो रही थी,
बहुत परेशान थी। जरूर मारे बापू ने ना मारी माँ के साथ कुछ बुरा किया होगा, जरूर उन्होंने गलत किया होगा हमारी माँ के साथ, इसलिए हमारी माँ रो रही थी। कोमल, तुम्हारे बापू सच में बहुत जुल्म करते हैं क्या? सचिन, तुम्हारे बापू को जानता ना है, हमारे बापू इंसान ना है, हैवान है, हैवान। वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। उसे पति और पिता कहलाने का कोई अधिकार ना है। कोमल, तुम अपने बापू और उनके जुल्म से अभी बहुत दूर हो, तुम भूल जाओ उन्हें, और इस सपने को भी तुम एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मैं भूल ना सकती, क्योंकि मारा बापू हमारे लिए सपना ना हकीकत है। कैसे भूल जाओ मैं? जब मैं सोती हूँ ना बड़े सपने में हमारा बापू याद आता है, वो दिन याद आता है जो जो हमारे बापू ने हमारे साथ किया। मैं ना भूल सकती, ना भूल सकती मैं। अब तो मरने सपने से भी डर लगता है। डर? और कोमल, कल तक तो डर तुमसे डर कर दूर भागता था। सचिन, कल और आज में बहुत फर्क है। पहले मैं धोखे में जीती थी और आज आज मैं सच्चाई में जीती हूं। अब तो मैंने अपनों से ही डर लगने लगा है। मैंने मैंने अकेलेपन से डर लगने लगा है। कोमल, तुम अकेली नहीं हो, यहां पे हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सचिन, एक बात बोलो, तुम तो मने छोड़ के कहीं ना जाओगे ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। कमल, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम सो जाओ थोड़ी देर। नहीं सचिन, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं सो गई तो फिर से वो डरावना सपना। कोमल, मैं हूं ना यहां पे तुम्हारे साथ, कोई सपना नहीं आने वाला है तुम्हें, तुम सो जाओ। कोमल, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। इतना रात को कोमल का चीखना अजीब सा लगता है। शालिनी उसके कमरे में गई है, कितना टाइम हो गया अभी तक आए नहीं। क्या शालिनी, क्या हुआ? कोई बात नहीं है जी, वो बुरा सपना देखा था ना, इसलिए डर गई। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ तुम उसके पास चली गई। मेरे को क्या लगता है कि वो अपने माँ बाप से दूर है ना, इसके लिए रात में ऐसा बुरा बुरा सपना देख रही। तो भगवान का शुक्र है कि उसने हमको उसका सहारा बनाकर यहां भेज दिया। अरे वो क्या लगता है, इतना छोटे उम्र में इतना सारा इंसिडेंट उसके साथ हो गया, इतना बड़ा बड़ा सदमा देखा, इसके लिए उसका दिमाग कैसा हो गया है, उसको डर लगने लगा है, एकदम फियर।
अरे नहीं, मेरे को लगता है कि हमको भी उसका माँ बाप बन करके उसको प्यार करना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप से दूर है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? जाओ साले, नहीं तो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? किस बात का जवाब जी? अरे कोमल, मैं कोमल का बात कर रहा हूं। कोमल ने ऐसा कौन सा सपना देख लिया जो तुम अपना सपना में खो गया? मैं सपना सुनकर नहीं जी, कुछ और सोचकर परेशान हूं। क्या परेशानी वाली बात है, है? भगवान का दिया सब कुछ है, और क्या चाहिए तुमको? मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है जी, मुझे तो सिर्फ कोमल की चिंता है, क्योंकि आप तो जानते हो ना, बेटियां पराया धन होती है। कोमल वैसे भी हमारे लिए पराई है। शाले नहीं, समझने का कोशिश क्यों नहीं करते? कोमल का उम्र देखो, इतना कम उम्र में उसका अतीत को देखो, उसके साथ क्या क्या हुआ है, कितना बड़ा सदमा लगा उसको। हमको उसको संभालना चाहिए। मैं चाहता हूं शालिनी उसका घर बस जाए, और उसका पिता, पिता वो तो जल्लाद है जी, जल्लाद। अगर वो अपने पिता का फर्ज निभाता ना, कोमल को यहां नहीं आना पड़ता। देखो शालिनी, तुमने वो कहावत सुना है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। याद रखना, अगर कोमल का पिता उसका साथ नहीं दे रहा है तो उसका बड़ा पापा उसके पिता का धर्म निभाएगा। सही कह रहे हैं आप। मैं तो सोच रही हूं कि आपसे कहूं या ना कहूं। ऐसा कौन सा बात है शालिनी जिसको तुम मेरे को अपने पति से छुपाए रहा? क्योंकि बात ही कुछ ऐसे है जी। क्या बात है बोलो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बोल नहीं पा रहे, तुम्हारा जबान अटक रहा है, बोलो। आमा, आपको बता देना ही चाहिए, वरना बात छुपाने से ना बात और ज्यादा बढ़ सकती है। अब देखो शालिनी, मेरा बीपी मत बढ़ाओ, प्लीज बताओ क्या बात है। इनका बात ये है कि मने मने अकेलेपन से डर लगने लगा है। कोमल, तुम अकेली नहीं हो यहाँ पे, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। एक बात बोलो, तुम तो मने छोड़ के कहीं ना जाओगे ना? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? मैं गांव का कितना भला सोचता हूं, अब अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख में दुखी होता हूं। अब मेरा मतलब है दूसरों के दुख से दुखी होता हूं। मैंने हमेशा गांव के भले के लिए सोचा है, इसलिए गांव की चिंता करते करते मैं दुबड़ा हो रहा हूं। चाकू कहां गया? किधर? कोमल,